बहुत बढ़िया पिक्चर, बहुत बहुत अच्छी मूवी थी, नाइस मूवी ओवरऑल, बहुत अच्छा था, थ्रिलिंग था और बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट. लाइक हम लोग सोच सकते थे वो मूवी के टाइम पे क्या फीलिंग हो गई रहेगी वो पीपल के. फिल्म बहुत ही रियल थी, मुझे फिल्म कम एक डॉक्यूमेंट्री लगी. ऐसा लगा कि कोई बैठ के मुझे बता रहा है कि रियली क्या हुआ था. एक एक छोटे छोटे बातों को दिखाया गया था उसमें. पूरी मूवी में देखा जाए जो होटल मुंबई में 2018 में हुआ था और किस तरह के लोगों की जान गई, और जो कसाब का रोल था अनुपम खेर, देव पटेल, सब ने बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म किया, ईच एंड एवरी करेक्टर. बहुत अच्छी मूवी थी. लाइक इंटरवल भी हुआ तो ऐसा लगा कि क्यों इंटरवल हो गया, क्योंकि इस हिसाब से उन्होंने लोगों को मारा पीछे से, जो पाकिस्तान से बताया गया कि जो टेररिस्ट को उनको उनके खिलाफ बताया जाता था कि अल्लाह आपको जन्नत में भेजेगा, उस मूवी में खूब दिखाया गया उसमें, और बहुत अच्छी मूवी थी वो. बहुत बहुत खूब लगी मूवी कि किस तरह से लोगों के साथ वो हुआ, किस तरह ताज के जो वेटर्स थे उन्होंने बोला गया कि गेस्ट इज गॉड, तो उनके खिलाफ उन्होंने ऐसा किया कि अपनी जान बचाकर वो भागे नहीं, उनका सामना किया जो भी होटल मुंबई पूरे होटल में हुआ. बहुत अच्छा सल्यूट है ये मूवी को. ओके, परफॉर्मेंस की बात करें, देव पटेल, अनुपम खेर, बहुत से जने, तो किस कैसी लगी परफॉर्मेंस? जेन्युइन सब करेक्टर में थे और खूब उन्होंने फील किया, देन उन्होंने अपना ये कैमरा में दिखाया गया, वो दिख रहा था. एक होता ना कि ऊपर से करना, लेकिन ये फील हुआ पूरी मूवी. आप जब जाओगे मस्ट, या आप देखो जाओ, बहुत अच्छी मूवी. सबका तो ठीक ही लगा, पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि like still I'm feeling that emotions. Even my father works at Gateway of India. That time he told me that incident and a main area of Gateway. Whenever I see that, I still remember that this incident has still happened. Overall, a nice movie, like realistic, very realistic, as you said. You can actually feel it in when you're sitting inside the theater. Like it's like very well done. Out of 5, how did you feel? What? 4 out of 5. 4 out of 5. सबसे अच्छे, सभी की बहुत अच्छी एक्टिंग थी. जो डर, जो खौफ दिखना चाहिए, देव पटेल की आंखों से झलक रहा था. और ऑल ओवर बहुत अच्छी मूवी, पूरी मूवी में गूजबम्स रहेंगे. इतना खौफनाक जो दृश्य है, जो हुआ था, जो सच्चाई है, वो दिखाया गया. मैसेज तो ये था कि होटल, जो ताज होटल है, उसके जो स्टाफ थे, मतलब उनके साथ भी ये सब हो रहा था, उनके भी परिवार थे, बच्चे थे, पर उन्हें को ऑप्शन भी मिला कि अब चाहे तो घर जा सकते हैं, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी से उठकर अपने कस्टमर्स की सेवा की, सबको बचाया, 16 लोग को उन्होंने बचाया अपनी जान पे खेल के, तो बहुत बड़ा काम किया. आउट ऑफ 5, इट्स वर्थ 4.5 एंड मोर. जो चीज़ें नहीं पता थी, 2008 की बात है और मैं तब कोलकाता में था, और मुंबई आने की बहुत चाह थी, तो मैं डर सहम सा गया था. वो तो मैं इट वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव कि कैसे क्या हुआ था वगैरह, तो उस हिसाब से और बहुत सारी चीज़ों पे काम किया गया इसमें. सिर्फ कहानी ही नहीं, कैसे लोग मतलब एक दूसरे को मदद किए वहाँ पे, और कैसे जो आतंकवादी थे उनको गलत तरह से ब्रेन वॉश करके भेजा गया था, तो उन पे भी तरस आता है. झंझोर, अरे भाई मैं फिल्म के बीच में मेरे हाथ पर थर रहे थे, मैं आंसू में. अब तो बात करते करते मैं आई एम क्वाइट नॉर्मल, बट आई वाज लिटरली ऑन टीयर्स. अगर आप में सच्ची में दिल है एंड यू रियली लव पीपल एंड यू और आपको पीस पसंद है, ये आपको हिला के रख देगी. एंड आई वुड से कि एवरीवन प्लीज वॉच. आई थिंक दूसरा शो यहाँ 8:30 PM को है. Aye, watch a film. You stay in Mumbai. You should know what had happened. You should go and meet Hemant Obra. You should go and meet people who, जो लोग इसको एक फिल्म की तरह मत देखिए. Just you should go and talk to the people. Listen to them कि कैसे होता है. और जो अर्जुन और हेमंत ओबरा जिनको दिखाया गया है, I think they should come up and they talk more about कि उनका experience क्या था, how they dealt with it. गाने कैसे लगे? उस फिल्म में गाने नहीं थे, होटल मुंबई में गाने नहीं. अच्छा, देखा एक्टिंग वाइज मैंने जैसे कहा कि एकदम डॉक्यूमेंट्री की तरह रखा गया है, लेकिन देव पटेल जो हैं वो उनकी एक्सेंट है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने पूरी जो एक पंजाबी लोअर मिडिल क्लास जो बंदा होता है उसका एक्सेंट पकड़ा है, और कहीं भी एक्टिंग नहीं लग रही थी. इट वॉज लाइक ही फेल्ट इट, द एक्टिंग वॉज सो रियल. अरे सोच तो नहीं, सबको पता ही है क्या है, लेकिन देखिए मेरा ये कहना है कि आज भी
अगर यहाँ पे स्विच अटैक होता है कि आर वी रेडी, वी आर नॉट रेडी टू टैकल, कहाँ सिक्योरिटी कहाँ टाइट है. तो एक चीज़ हम इस फिल्म से ले सकते हैं कि वी शुड बी रेडी, वी हैव पुलिस फोर्स. हम कहते हैं कि बेरोजगारी, अरे गुड पीपल इन फोर्सेस हर एक जगह पे तैनात रखो, कुछ भी हो जाए जस्ट पीपल आर रेडी. वहाँ पे जैसे उनके पास AK-47 या कुछ था, हमारी पुलिस क्या लेके आई, मुंबई पुलिस, वो एक दो एंड 12 घंटे हमें वेट करना पड़ा, तो दिल्ली से स्पेशल फोर्स आई. तो आई थिंक हर एक शहर हर एक सिटी में ऐसे फोर्सेस हमेशा होनी चाहिए, वी शुड बी रेडी. क्योंकि आजकल न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर का ज़माना है, न्यूक्लियर वेपन्स का ज़माना है. आर वी रेडी टू टैकल न्यूक्लियर अटैक? क्या हमारे पास ऐसे छोटे जगह हैं जहाँ पे हम जाके खुद को बचा सकते हैं कि अगर रेडिएशन हुआ, कैन वी सेव द, चलो सबको नहीं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं हमारे समाज के, नहीं हो सकता. तो आई थिंक वो चीज़ दिखाया इस फिल्म में कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड. इट्स अबव 5 सेकंड.